हेलो फ्रेंड्स, हम सभी लोग बीएससी फाइनल ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे चैप्टर वाइज। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एमसीक्यू टाइप्स के, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर, बीएससी फाइनल ईयर या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के, चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम है सिलिकॉन्स एवं फॉस्फेजिन्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजिन्स। तो आज के इस वीडियो में कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल इसमें 13 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएससी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इसके सभी वीडियोज़ नहीं देखे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 चैप्टर 5 तक के, तो उन सभी वीडियो का लिंक या फिर प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट पर बीएससी फाइनल ईयर या बीएससी थर्ड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप क्लिक कर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, सिलिकॉन्स का समान सूत्र है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, हमसे पूछा गया सिलिकॉन्स का सूत्र, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सिलिकॉन्स का सूत्र होता है वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलिकॉन्स में पुनरावृत्ति इकाइयाँ हैं। तो 4 ऑप्शन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सिलिकॉन्स में पुनरावृत्ति इकाइयाँ हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, CH3Cl + 2HCl + सिलिकॉन कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर एक्स उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है एक्स उत्पाद है, तो यहाँ पर जो एक्स बना हुआ है प्रोडक्ट वो क्या होगा। 4 ऑप्शन गिवन है ABCD, इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा ये पूछा गया। तो ये रिएक्शन में यहाँ पर जो एक्स होगा वो होगा CH3SiCl3। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पर दो यहाँ पर क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पर है, तो दो 3 Cl3 हो जाएंगे, और यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ से एक सिलिकॉन आ जाएगा, तो CH3SiCl3। तो एक्स जो प्रोडक्ट होगा वो CH3SiCl3 होगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलिकॉन्स में उपस्थित बंद है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिलिकॉन्स, 4 ऑप्शन गिवन है, हमसे पूछा गया है सिलिकॉन्स में उपस्थित बंद होता है, तो वो एकल बंद से जुड़े होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिलिकॉन्स होता है SiCl3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, SiCl एकल बंध ओ, एकल बंध SiCl। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणुओं से बनी हुई बहुसंख्यक इकाइयां बंधों द्वारा जुड़कर अणु बनाती हैं, तो पिघलने पर भी वृहद अणु के रूप में बनी रहती हैं, तो ऐसे अणु को कहा जाता है ऑप्शन ए है कार्बनिक बहुलक, ऑप्शन बी है अकार्बनिक बहुलक, ऑप्शन सी है जैव कार्बनिक बहुलक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणुओं से बनी हुई बहुसंख्यक इकाइयाँ बंधों द्वारा जुड़कर अणु बनाती हैं, तो पिघलने पर भी वृहद अणु के रूप में बनी रहती हैं, तो ऐसे अणु को कहते हैं हम अकार्बनिक बहुलक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलिकॉन्स होते हैं ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बन नाइट्रोजन के बहुलक, ऑप्शन बी है सिलिकॉन कार्बन ऑक्सीजन के बहुलक, ऑप्शन सी है सिलिकॉन बोरान नाइट्रोजन के बहुलक, और ऑप्शन डी है सिलिकॉन हाइड्रोजन के बहुलक। तो सिलिकॉन्स होते हैं सिलिकॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बहुलक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन्स होते हैं, तो सिलिकॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बहुलक होते हैं सिलिकॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, अकार्बनिक बहुलकों में कौन सा गुण होता है, ऑप्शन ए अधिक स्थायित्व, ऑप्शन बी है न्यून श्यानता, ऑप्शन सी है आयनिक प्रकृति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अकार्बनिक बहुलकों में अधिक स्थायित्व होते हैं, न्यून श्यानता होती है, और आयनिक प्रकृति, ये तीनों ही गुण उसमें होते हैं, तीनों ही गुण विद्यमान होते हैं अकार्बनिक बहुलकों में। तो अकार्बनिक बहुलकों में अधिक स्थायित्व, न्यून श्यानता और आयनिक प्रकृति, तीनों ही गुण विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एल्किल हैलोसिलेन के जल अपघटन से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए है सिलिनॉन्स, ऑप्शन बी है सिलेंस, ऑप्शन सी है सिलिकॉन्स, ऑप्शन डी है सिलिका। तो एल्किल हैलोसिलेन के जल अपघटन से प्राप्त होता है सिलिनॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो बहुलक एक समान एकलक मोनोमर्स अणुओं के संयोग से बनते हैं उन्हें कहते हैं, ऑप्शन ए सह बहुलक, ऑप्शन बी सामान्य बहुलक, ऑप्शन सी विषम बहुलक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो बहुलक एक समान या फिर मोनोमर्स अणुओं के संयोग से बनते हैं तो उन्हें सामान्य बहुलक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो बहुलक
दो भिन्न प्रकार के एकलकों के संयोग से बनते हैं उन्हें कहते हैं, ऑप्शन ए होमोपॉलीमर, ऑप्शन बी कोपॉलीमर, ऑप्शन सी उपरोक्त ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बहुलक दो भिन्न प्रकार के एकलकों के संयोग से बनते हैं उन्हें कोपॉलीमर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, अकार्बनिक बहुलक की संरचना का आधार है, ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी धातु या अधातु, ऑप्शन डी कार्बन परमाणु। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक अकार्बनिक बहुलक की संरचना का आधार होते हैं धातु या अधातु दोनों ही आधार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सिलिकॉन्स को कितने वर्गों में बांटा गया है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। तो सिलिकॉन्स को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन्स का निर्माण कितने चरणों में किया जाता है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। तो सिलिकॉन्स का निर्माण 3 चरणों में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में हम 13 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो इसी चैप्टर के हम और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सबसे पहले न्यू वीडियोज़ देख पाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर 7 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।